Dear students, in this video I will discuss multiplexers, the most important combinational circuit, multiplexer. Multiplexer is a combinational circuit like decoder, encoder, adder, subtractor, etc. What is the purpose of multiplexer? The purpose of multiplexer is to select binary information from one of many input lines and direct it to the single output line. यानी कि मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे इनपुट में से किसी एक इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट लाइन पर डायरेक्ट कर देता है, यानी कि कौन सा इनपुट आउटपुट के रूप में आएगा ये डिसाइड करता है, इसे सेलेक्ट करता है. वी कैन राइट मल्टीप्लेक्सर इन इट्स शॉर्ट एंड फॉर्म लाइक MUX. इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर. ये डेटा सेलेक्टर भी कहलाता है क्योंकि एक्चुअली ये जो फंक्शन परफॉर्म कराता है वो डेटा सिलेक्शन का ही कराता है. और किस लॉजिक के थ्रू होता है? इट इज परफॉर्म्ड बाय द लॉजिक ऑफ सिलेक्शन इनपुट. तो इट इज आल्सो नोन एज डेटा सिलेक्टर एज वन ऑफ मैनी डेटा इनपुट्स फॉर आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय ए सेट ऑफ सिलेक्शन इनपुट. यानी इनपुट आउटपुट के अलावा मल्टीप्लेक्सर में एक और इनपुट होता है जिसे कहते हैं सिलेक्शन इनपुट. और द पर्पस ऑफ सिलेक्शन इनपुट इज टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ मैनी इनपुट्स एज आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज लेट अस कंसिडर 2^n टू वन लाइन मल्टीप्लेक्सर. वी कैन राइट इट एज 2^n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. तो इन 2^n क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर देयर आर 2^n इनपुट्स, 1 आउटपुट एंड n सिलेक्शन इनपुट्स. तो ये जो n सिलेक्शन इनपुट हैं कहाँ से आए? 2^n अगर इनपुट हैं तो इसकी पावर n ही नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट्स होगी, जिसके बाइनरी कॉम्बिनेशंस, बिट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? अगेन 2^n होंगे. और यही कॉम्बिनेशन डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि विच इनपुट लाइन विल बी सिलेक्टेड एज आउटपुट. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज वी कंसिडर 4×1 मल्टीप्लेक्सर, देन हाउ मैनी इनपुट्स आर देयर, हाउ मैनी आउटपुट्स आर देयर एंड हाउ मैनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर. तो 4×1 मल्टीप्लेक्सर में द नंबर ऑफ इनपुट्स आर 4 एंड द नंबर ऑफ आउटपुट इज 1 एंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इनपुट इज टू द पावर 2. ये पावर का नंबर ही सिलेक्शन इनपुट होगा, यानी सिलेक्शन इनपुट कितने होंगे? 2 होंगे. सिमिलरली 8×1 मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे? 8 एंड आउटपुट्स 1. और हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट्स आर देयर इन 8×1 मल्टीप्लेक्सर? 3. सिमिलरली यू कैन डिसाइड इट इन ऑल टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स. मल्टीप्लेक्सर के कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. मैंने एग्जाम्पल लिया है 4×1 मल्टीप्लेक्सर का. मैंने यहाँ इसकी फंक्शन टेबल बनाई है. इसे हम फंक्शन टेबल इसलिए कह रहे हैं कि जो ट्रूथ टेबल है वो इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को शो करता है. यहाँ हमने फंक्शन टेबल बनाई है जो इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप को शो करेगा एज ए फंक्शन ऑफ सिलेक्शन इनपुट. यानी दिस फंक्शन टेबल रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप ऑफ इनपुट आउटपुट एज ए फंक्शन ऑफ सिलेक्शन इनपुट S0 S1. हमने मल्टीप्लेक्सर में दो सिलेक्शन इनपुट लिए. जब 4×1 मल्टीप्लेक्सर हम डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे? 4. नंबर ऑफ आउटपुट कितने होंगे? 1. और इसमें सिलेक्शन इनपुट कितने होंगे? 2^2, यानी कि 2. तो वो सिलेक्शन इनपुट मैंने S0 S1 ले लिए हैं. तो S0 S1 के बिट कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करेंगे कि विच इनपुट इज सिलेक्टेड एज आउटपुट. इसको अभी हम ब्लॉक डायग्राम पर फोकस करते हैं. यहाँ देखेंगे ब्लॉक डायग्राम. 4×1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. इसमें हमें क्या करना है कि हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर. देयर आर 4 इनपुट्स I0, I1, I2 एंड I3. हम D0, D1, D2, D3 भी ले सकते हैं. तो वेरिएबल नेम है, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल सिंबल. और आउटपुट इसमें कितने होंगे? 1. मैंने इट्स Y. एंड देयर आर टू सिलेक्शन इनपुट्स. वन इज S0 एंड अदर इज S1. S0 एंड S1. यहाँ S सेकेंड पोजिशन पर ले लिया है 2^0 एंड S1 को मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन 2^1, जिससे कि हमारा जो बिट कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से बने 0001 1011. यानी कि 0 की बाइनरी 1 की बाइनरी, बाइनरी ऑफ 2 एंड बाइनरी ऑफ 3. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ
Whenever the bit combination of S1 and S0 is 00, then and I0 input is selected as an output. यानी कि अगर S0 S1 में 00 पास होगा तो I0 आउटपुट के तरीके से सेलेक्ट होकर के पास हो जाएगा. When the value of S1 and S0 is 01, यानी here is 0, here is 1, तो क्या होगा, I1 is selected as an output. If the value of S0 S1 is 10, then the कोड इज 10 यानी कि 2, I2 इज सेलेक्टेड एज एन आउटपुट. एंड इफ द वैल्यू ऑफ S1 एंड S0 इज 11, देन इट्स करस्पॉन्डिंग डेसिमल कोड इज 3 एंड I3 इज सेलेक्टेड एज एन आउटपुट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यानी कि मीन्स दिस सेलेक्शन इनपुट डिसाइड विच इनपुट आउट ऑफ दीज इनपुट्स इज सेलेक्टेड एज एन आउटपुट. तो इसका इस तरह से हम इसका बुलियन फंक्शन भी बना सकते हैं. बुलियन फंक्शन कैसे बनेगा? जैसे कि आप सब जानते हैं मिनटर्म बनाना. अगर हम इस फंक्शन टेबल को ध्यान से देखें तो S0 S1 इसका हम मिनटर्म फॉर्म लिखें तो ये हो जाएगा S1 ये हो जाएगा S0 ये हो जाएगा S1 ये हो जाएगा S0 ये हो जाएगा S1 एंड दिस इज S0 एंड दिस इज S1. और जब हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे कि इसके कॉम्बिनेशन में कोई एक ही इनपुट एज एन आउटपुट सेलेक्ट हो तो हम यूज करेंगे एंड गेट का, एंड ऑपरेशन का. इसके मिनटर्म्स जब बनाएंगे तो इसका बुलियन फंक्शन क्या बनकर आएगा कि S1-S0-I0, यानी कि जब हम S0 का कॉम्प्लीमेंट S1 का कॉम्प्लीमेंट पास करें I0 के साथ डॉट करके, तो I0 सेलेक्ट होना चाहिए प्लस या इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ S0 एंड S1 इज S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S0, तो I1 सेलेक्ट होना चाहिए. इफ S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट तो I2 सेलेक्ट होना चाहिए. एंड इफ S1 S0 तो I3 सेलेक्ट होना चाहिए. यानी कि जो यहाँ बिट कॉम्बिनेशन बन रहा है 00 तो I0 सेलेक्ट हो रहा है, 01 तो 1 I1 सेलेक्ट हो रहा है, 10 तो I2 सेलेक्ट हो रहा है और 11 तो I3 सेलेक्ट हो रहा है. इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी. तो लॉजिक डायग्राम ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर, आप यहाँ फोकस करेंगे, ध्यान देंगे कि जैसा कि हमने डिकोडर में सर्किट डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसा ही एक सर्किट डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं. वहां हमने इनपुट XYZ लिए थे, यहाँ हम सिलेक्शन इनपुट के साथ करेंगे वो काम, क्योंकि सिलेक्शन इनपुट का ही कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि विच इनपुट इज सेलेक्टेड एज एन आउटपुट. तो हमने इसकी डायरेक्ट लाइन ले ली है और यहां पर हमने नॉट गेट लगाकर इसके कॉम्प्लीमेंटेशन की लाइन ले ली है. यानी कि हमें इस लाइन से क्या मिलेगा, S0 का कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या मिलेगा, S0, यहां से मिलेगा S1 का कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या मिलेगा, S1. तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है S1-S0-, तो हम S1-S0- को आगे बढ़ाएंगे. उसके बाद हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन होगा 01, यानी कि S1- और S0, तो हम S1- को आगे बढ़ाएंगे और S0 को आगे बढ़ाएंगे. थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा 2 की बाइनरी होगी, यानी कि 10, तो 10 के लिए हम S1 को आगे बढ़ाएंगे और S0- को आगे बढ़ाएंगे, तो 10. एंड द फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 11, जिसके लिए हम S1 एंड S0 इनको आगे बढ़ाएंगे. और इस तरह से हमने 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारे फंक्शन टेबल में बने थे, कौन कौन से, 00, 01, 10, 11, हमने ये कॉम्बिनेशंस ले लिए. अब यहां पर हम इन सभी कॉम्बिनेशंस में एक एक एंड गेट लगा देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने बुलियन फंक्शन में देखा था कि हमने जो टर्म्स बनाई थी बुलियन फंक्शन की वो मिन टर्म्स बनाई थी, तो ये हमारी मिन टर्म्स बन के तैयार हो गई. एंड गेट लगाते हैं मिन टर्म्स में और अब हमने यहां से इनके आउटपुट्स आएंगे. लेकिन मल्टीप्लेक्सर का सर्किट ये कहता है ब्लॉक डायग्राम कि इसमें 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट होंगे, और ये तो हमारा डिकोडर जैसा सर्किट बन गया. तो हमें करना क्या है, इसमें 4 इनपुट पास करने हैं और सिंगल आउटपुट आना चाहिए. तो इसी डायग्राम में हमें क्या करना है, सिलेक्शन इनपुट ही तो डिसाइड करेगा कि
आई जीरो आउटपुट आए या आई वन आए, आई टू आए, आई थ्री आए, तो हमें इन सारे एंड गेट के साथ, इन सभी एंड गेट के साथ एक एक इनपुट लाइन और पास कर देनी है जो जिस बिट का कॉम्बिनेशन है, यानी बिट कॉम्बिनेशन जिस भी डेसिमल कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी मिनटर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ आई जीरो यहाँ पर हमने पास कर दिया, आई वन यहाँ पर हमने पास कर दिया, आई टू और यहां से हमने पास कर दिया आई थ्री, यानी कि एस जीरो एस वन में जो भी बिट कॉम्बिनेशन होगा उसके करोस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन आउटपुट की तरीके से सेलेक्ट हो जाएगी। और इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे कि ये जो हमारे जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं, यहां से अगर आउटपुट आएगा तो आई जीरो आएगा, यहां से आएगा तो आई वन आएगा, यहां आई टू आएगा और यहां आई थ्री आएगा, इन चारों में से कोई एक आउटपुट फाइनल आउटपुट होगा तो हम उस इन सभी आउटपुट्स के बीच क्या लगा देंगे, एक और गेट लगा देंगे, एक और गेट लगा देंगे। तो अब होगा ये सर्किट पर कैसे करेगा, सपोज करिए कि आई थ्री जो इनपुट लाइन है वो आउटपुट पर जानी है सपोज, तो हमारे सिलेक्शन इनपुट का की वैल्यूज क्या होंगे, हमारे सिलेक्शन इनपुट की वैल्यूज होंगी वन वन, यानी कि बाइनरी ऑफ थ्री। तो जब वन वन होंगी तो यहां से क्या होगा, यहां से अगर वन जा रहा है तो यहां से क्या जा रहा है, जीरो। इसी तरीके से यहां से दोनों से वन जा रहा है तो यहां पर क्या हो गया, जीरो। और इस वाले केस में भी क्या हो गया, यहां पर जीरो, यानी कोई एक भी जीरो होगा तो एंड गेट में तो वो वाला आउटपुट जीरो ही हो जाएगा। और यहां देखिए, यहां दोनों वन जा रहे हैं और दोनों वन के साथ आई थ्री जा रहा है, तो वन डॉट वन डॉट आई थ्री आउटपुट क्या आ जाएगा, आई थ्री। और यहां इन तीनों केस में एक एक जीरो हो रहा है जिसकी वजह से यहां क्या होगा, यहां तो दोनों जीरो है मतलब जीरो आउटपुट आएगा, तो जीरो और जीरो और जीरो और आई थ्री, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आई थ्री। इस तरह से ये सर्किट वर्क करेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है जब हम बड़े बड़े सर्किट्स बनाते हैं, जैसे रजिस्टर्स बनाते हैं, काउंटर्स बनाते हैं, जहां मैनी टू वन ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, यानी कि मैनी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वहां हम मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं। जैसे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर अगर हम बनाएंगे कि वो एक बार में एक ऑपरेशन परफॉर्म कराए लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कराए, तो ऐसे सर्किट में हम मल्टीप्लेक्सर्स का फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। दैट्स वाई मल्टीप्लेक्सर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट।